बच्चे अक्सर चीज़ें याद करते हैं और भूल जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे कुछ लर्न करते हैं और भूल जाते हैं। कुछ बच्चों में तो ये आम बात होती है, पर कुछ बच्चों में ये ADHD नाम के डिसऑर्डर की वजह से होता है। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इससे पीड़ित बच्चों को चीज़ें याद रखने में थोड़ा परेशानी होती है, और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिससे आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं चीज़ें याद रखने में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो एज अ पेरेंट आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉटोलर्न। मेक देम अंडरस्टैंड फर्स्ट। कुछ भी याद कराने से पहले आप उन्हें समझा दीजिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। अगर इंग्लिश के लेसन में क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं तो पहले आप उस लेसन को एज अ स्टोरी उन्हें सुना दें। इससे उन्हें क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आसानी होगी। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है और आप जानते हैं कि आपके बच्चे को याद नहीं रहता, तो आप उसे कुछ चीज़ों के थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा सकते हैं, या फिर किसी पिक्चर के थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझा सकते हैं। कुछ चॉकलेट्स ले लीजिए, इरेजर्स ले लीजिए और डेमो देकर दिखाइए। इस तरह से चीज़ें याद रखने में ईजी होगा। बी लिटिल ट्रिकी एंड बी फनी। रेनबो के कलर्स को सीक्वेंस में याद रखने के लिए जिस तरह हम विप ग्योर का यूज़ करते थे, वैसे ही कुछ फ्रेजेस आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लैनेट्स के नाम सीक्वेंस में याद रखने के लिए आप उन्हें ये याद करा सकते हैं, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नूडल्स। तो इस तरह से आप इस चीज़ को फनी बना दीजिए ताकि वो उनके लिए एंटरटेनिंग भी हो जाए और साथ साथ लर्निंग भी हो जाए। अगर स्पेलिंग्स उन्हें याद नहीं होती तो जहाँ वो खेलते हैं वहाँ कुछ स्लिप्स पोस्टेड लगाकर उन स्पेलिंग्स को लिख दीजिए, पर एक साथ सारी स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। दो या तीन स्पेलिंग्स और 4 से 5 दिन के लिए उसे वहाँ रहने दीजिए। जब आप वो स्पेलिंग लिखें तो कलर पेन यूज़ कीजिए, उसे अट्रैक्टिव बनाइए ताकि बच्चे का ध्यान उस पर जाए। खेल खेल में आप उस पर हाथ रख के पूछ सकते हैं, क्या थी ये स्पेलिंग, आप रिवाइज करो। इस तरह से आप उन्हें स्पेलिंग लर्न करने में मदद कर सकते हैं। मास्टरिंग मेमोरी। हम ये तो समझते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, यानी हमें उनकी मेमोरी शार्प करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप उनके साथ मेमोरी गेम्स खेल सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे ब्रेन पजल्स और भी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ब्रेन डेवलप होता है, तो उनके साथ वो एक्टिविटीज़ कीजिए। अगर आप मार्केट से परचेज नहीं करना चाहते तो आप घर में भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टीचर और स्टूडेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। आप स्टूडेंट बन जाइए, बच्चे को टीचर बनने दीजिए। आप उनके सामने कुछ भी टेबल बोलिए, 2 का 3 का, और जानकर मिस्टेक कीजिए और उन्हें करेक्ट करने दीजिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत सारे गेम्स ऐसे ही दूसरे हैं जो आप नेट से देख सकते हैं और अपने बच्चे के लिए उन्हें डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला वर्ड आपने क्या सीखा था, या मैं खुद से भी पूछूं, तो शायद मैं ये कहूँगी कि मेरा नाम। उस वक्त मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी, मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आते थे, या शायद मात्राएं भी नहीं आती थी, सिर्फ अक्षर आते थे। पर हम उस छोटी सी एज में अपना नाम लिखना सीख जाते हैं। और ये कैसे सीखते हैं? क्योंकि हमें वो लिखकर सिखाया जाता है। हम अपने कॉपी के कवर पर बार बार उस कॉम्बिनेशन को, जो वर्ड्स का लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, उसे देखते हैं, लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत छोटे में ही हम अपना नाम सीख जाते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लिखकर याद की हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो आप अपने बच्चे को इसी तरह प्रैक्टिस करने दीजिए। लेट देम प्रैक्टिस, लेट देम राइट, ताकि वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाए। कंसल्ट विद डॉक्टर। कुछ ऐसे ब्रेन बूस्टर फूड्स आते हैं जिनसे आपके बच्चे का दिमाग तेज़ होता है। योगर्ट, एग, बीन्स, आमंड्स, वॉलनट्स, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये बच्चों को देनी ही चाहिए। पर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनसे जान लें कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस में बच्चे की मदद कर सकती हैं, इस तरह के बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो सकती हैं। क्या इफ़ेक्ट करेगा आपके बच्चे पे, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। पर कुछ बातें हैं जो इस तरह के बच्चों के पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों को अनिवार्य रूप से कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कराएं, उन्हें बाहर खेलने ज़रूर लेकर जाएं, स्कूल के वर्क में उनके साथ इन्वॉल्व रहें,
उनके टीचर्स को भी उनके इस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए ताकि क्लास में उन्हें सपोर्ट मिले, उन्हें कोई डीमोटिवेट ना करे। आप भी बच्चे की इस प्रॉब्लम का बार बार उनके सामने जिक्र ना करें, ऐसा करने से उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो बस एक ही मंत्र याद रखें, बेटा आपको सब याद रहेगा, आपको सब याद रहेगा, बस आपको बार बार यही कहना है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। सी यू सून विद वन मोर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।